गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर तो आप भी अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालिए और इसमें आप देख लीजिए आज हम आफ्टर हाफ ईयरली नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है तो देखिए लेसन नंबर नाइन है आपका पेज नंबर सिक्सटी फोर पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक है तो आप भी बुक ओपन करिए और उसमें आप देख लीजिए लेसन खोलिए तो सबसे पहले जो आपको एक ये बॉक्स दिया गया है ये बॉक्स हम करेंगे लास्ट में क्योंकि अभी हमने लेसन नहीं पढ़ा है पहले हमें लेसन पढ़ना है इसके रूल्स हमें जानने हैं और उसके बाद ही हम इस वाले पार्ट को कर पाएंगे ठीक है इसको हम करेंगे लास्ट में तो पहले आगे चलते हैं इन अ सेंटेंस अ वर्ब मस्ट अग्री विद सब्जेक्ट जो भी एक सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स जो उस uh, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसके साथ जो वर्ब होती है वो सहमत होती है दैट इज इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है एक वचन है द वर्ब विल ऑल्सो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के सिंगुलर होने से जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही फॉर्म में यूज की जाती है इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है द वर्ब ऑल्सो भी प्लूरल तो जो वर्ब है वो प्लूरल होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ की जाती है ठीक है मोर एवर द फॉर्म ऑफ द वर्ब विल डिपेंड ऑन द पर्सन फर्स्ट सेकेंड थर्ड द फॉर्म ऑफ द वर्ब जो वर्ब की फॉर्म होती है वो किस पर डिपेंड करती है पर्सन पे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन में वर्ब की फॉर्म अलग होती है सेकेंड पर्सन में अलग होती है थर्ड पर्सन में अलग होती है दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और ये क्या कहलाता है ये कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो अब इसे हम समझते हैं वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस जो वर्ब होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो कैसी होती है तो देखिए वी एड एस और ई एस टू द वर्ब्स इन थर्ड पर्सन जो एस और ई एस यूज़ किया जाता है वर्ब में वो यूज़ किया जाता है थर्ड पर्सन में इन सिंगुलर नंबर नंबर होता है सिंगुलर और वर्ब और थर्ड पर्सन में होता है एस और ई एस यूज इन सिंगुलर नंबर ही शी इट विद अदर्स वी यूज द रूट फॉर्म सी द टेबल बिलो अब आपको एक टेबल दी गई है इसे अच्छे से समझाने के लिए तो देखिए सबसे पहले दो पार्ट कर देंगे सिंगुलर प्लूरल एक वचन बहुवचन अब हम देखें फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई सिंग होता है आई मीन्स मैं एक वचन है सेकेंड पर्सन में सिंगुलर यू सिंग तुम ठीक है थर्ड पर्सन हो गया आपका ही शी थर्ड पर्सन मतलब मैं और तुम फर्स्ट पर्सन मैं हो सेकंड सेकेंड पर्सन जैसे मैं बात कर रही हूँ वो और थर्ड पर्सन हो गया कि दो लोगों के बीच में किसी के बारे में जो बात की जाती है वो थर्ड पर्सन कहलाता है ठीक है देखिए अब सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन आई सिंग, सेकंड पर्सन यू सिंग मैं और तुम थर्ड पर्सन हो गया ही शी इट ही शी जिसके बारे में बात की जा रही है इट सिंग्स थर्ड पर्सन में सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है एस लगता है सिंगुलर फॉर्म में थर्ड पर्सन के साथ एस यूज किया जाता है जैसे कि इट सिंग्स अनाइटिंगल सिंग्स ठीक है प्लुरल फॉर्म में देखिए वी सिंह फर्स्ट पर्सन में सेकेंड पर्सन हो गया आपका यू सिंह वी वी मतलब प्लुरल बहुवचन बहुवचन में आएगा फर्स्ट पर्सन के लिए वी सिंह सेकेंड पर्सन हो गया आपका यू तुम थर्ड पर्सन हो गया आपका थर्ड पर्सन के प्लुरल फॉर्म में एस देखिए एस लगता है ठीक है जैसे कि एस लगता है जैसे कि नाइटिंगल्स सिंग ठीक है तो ये इस तरीके से आपने अपने कॉपी uh, में आप ये चार्ट बनाएंगे इस तरीके से और अभी आगे देखते हैं हम देखिए पार्ट ए चूज द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंटेंस फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ठीक है तो फर्स्ट देखिए दे डैश क्रिकेट एवरी सनडे तो ये मैं आपको कॉपी पे दिखाती हूँ ये देखिए आप क्लास आपकी फोर्थ है सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ग्रामर है डेट आप खुद मेंशन करेंगे लेसन का नाम डालेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और ये वाला जो सबसे टॉप का पार्ट था बॉक्स वाला वो हम छोड़ रहे हैं उसको हम करेंगे लास्ट में पहले हम आगे बढ़ते हैं देखिए फर्स्ट हम ए कर रहे हैं चूज द करेक्ट सिंपल प्रजेंटेंस फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैक्स तो देखिए फर्स्ट दे डैश क्रिकेट एवरी सनडे हमें दिए हैं दो ऑप्शन प्लेज दिया है और प्ले दिया है तो दे वे दे प्लेस क्रिकेट एवरी सनडे दे प्ले क्रिकेट एवरी सनडे तो इसमें ऐस नहीं लगेगा ठीक है इसमें आएगा आपका दे प्ले सेकेंड में आ जाइए ही डैश इन द मॉर्निंग ऑप्शन दिए हैं आपको वॉक एंड वॉक्स तो ही के साथ ही क्या है आपका सिंगुलर फॉर्म है तो सिंगुलर फॉर्म के साथ आपका क्या यूज किया जाएगा एस ही वॉक्स इन द मॉर्निंग थ्री देखिए आई डैश म्यूजिक आई के साथ लव love और लव तो आई लव म्यूजिक ठीक है फोर्थ है आपका वी डैश इन इंग्लिश स्पीक एंड स्पीक्स तो वी

तो इसको आप कॉपी में करिए एक बार इसको आप लर्न करिए रीड करिए और समझने के लिए इसे आप एक बार रिवाइज़ करिए और उसके बाद इसे आप अपनी कॉपी में अच्छी सी हैंड राइटिंग में करिए ओके और उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे